हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाचो बड़ी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी और आपके बहुत ही सस्ती कम रेट में आप घर पे अपने बालों में हाइलाइट्स कर सकते हो। इसके बारे में मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए और मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए। आप अपने फेसबुक पे लगा सकते हो, आप इंस्टा पे लगा सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो फैमिली है डे बाय डे बढ़ती जाएगी और हमारा जो चैनल है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो, जो बंदे नए हैं, तो हमने मेंबरशिप भी रखी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप आपकी 1599 की है एक और 159 की है, ठीक है। 159 वाला जो है उसमें अगर आपका बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, उसमें आपको विश किया जाता है, या आपका किसी भी दोस्त का है, किसी भी फ्रेंड का है, किसी का भी है, तो आप हमें ईमेल पे उनकी फोटो और उनकी सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो, जिसे हम अपनी कम्युनिटी पर डालेंगे और उनको हम विश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप हमारी वीडियो को रेकमेंड कर सकते हैं उनको, या फिर सेंड कर सकते हैं उनको एज अ सरप्राइज, ठीक है। उनको भी अच्छा लगेगा कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर उनके बर्थडे को, उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो 1599 वाला है हमारा 1600 रुपए वाला, 1 रुपए कम आपका, उसमें आपका क्या है कि आपको स्किन केयर रूटीन, डाइट और उसके बाद से आपको हेयर ट्रीटमेंट दी जाती है, जो कि आपकी 15-15 दिन की होती है, ठीक है। उसमें आपको 15 दिन का एक बार दिया जाता है, 15 दिन का एक बार दिया जाता है, 1 मंथ की, ठीक है। आप उसमें आपकी टाइमिंग भी फिक्स की गई है। अगर आपको मेंबरशिप लेने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ईमेल कीजिए, आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है, जिनके पास टाइम नहीं है वो घर पे हाइलाइट्स कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मैसेज आए थे इंस्टा पे, और मेरे कुछ मेंबर्स, कुछ सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे बोला था कि दीदी हाइलाइट्स करना बता दीजिए आप, और बहुत ही कम टाइम में। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके बाल हाइलाइट करने पे डैमेज हो जाते हैं, बाहर जाते हो, तो आप एक लेयर का 100-200 रुपए दे करके आते हो, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप एक लेयर करवाते हो पार्लर में जाकर के, तो वो आपका 100 रुपए का पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं 6 लेयर कराते हैं, आपकी 8 लेयर कराते हैं, तो मतलब इस तरीके से जैसे जिसको अच्छा लगता है वो उस तरीके से करा लेता है ना। तो आप लोग उस चीज को ना करके आप घर पे कीजिए अपना स्ट्रीक का हेयर हाइलाइटर किट ला करके, और उसमें आपको एक गोल्डन जिससे हम हाइलाइट करते हैं, देन हम उसके ऊपर कलर करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना हाइलाइट किया हुआ है केवल, और अभी मैंने इस पर कोई कलर नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे गोल्डन कलर ही चाहिए था, जो कि बहुत अच्छा लगता है आपके बालों के लिए। और अगर आप कोई भी आप ड्रेस वेयर करते हो, लाइक आप जीन्स पहनो, सूट पहनो, साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो आप, ठीक है, तो ये सब पे जाता है। अगर आप इस पे कलर करना चाहो तो आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पहले कि अगर आप हेयर हाईलाइट करते हो तो आपके बाल डैमेज हो जाते हैं घर पे, तो वो कैसे नहीं होंगे। अगर आपने अपने बालों में हेयर हाईलाइट करना है, तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से, तो उनको ये पता है कि मैं अपनी वीडियोज में आप लोग को हमेशा ये बोलती हूँ कि आप लोग को हमेशा टोनर लगाना है। तो टोनर लगाना है, टोनर लगाने के बाद आपको हल्का सा आपका एलोवेरा जेल और आपको हल्का सा लेना है ऑलिव ऑयल, इनको अच्छे से मिक्स करना है, और 1/2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून आप यहाँ पर ले सकते हो रोज वाटर, ठीक है। मैं आपको टिप्स बता दे रही हूँ, हेयर हाईलाइट करने के बाद आपके जो बाल डैमेज हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो जो ये टिप्स हैं, ये टिप्स ऐसी हैं कि आपको हेयर हाईलाइट करने से पहले करनी है, ठीक है। नंबर 1 जो टिप है हमारी, आपको लेना है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबल स्पून आपको लेना है रोज वाटर, और 1 टेबल स्पून आपको लेना है ऑलिव ऑयल, ठीक है। इन तीनों चीजों को मिक्स करना है। जिस बालों में आपको हाइलाइट करनी है उस लेयर को निकालिए और हल्का हल्का सा आप लगाकर उसकी अच्छे से मालिश कर दीजिए, ठीक है, मसाज कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप अच्छे से उसकी मालिश कर दोगे तो आपके जो हेयर फॉलिकल होते हैं, हेयर की जो बॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, वैसे ही हमारे बालों की जो बॉडी होती है ये होती है, ठीक है, लेंथ होती है। तो आपकी जो बॉडी होती है वो डैमेज नहीं होती, क्यों, क्योंकि उनको एक लेयर मिल जाती है, एक उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, उनसे वो डैमेज नहीं होते हैं, आपके बाल टूटते भी नहीं है और आपके बाल झड़ते भी नहीं है, और उनका जो पिगमेंट होता है वो भी खराब नहीं होता है। धीरे धीरे आपके हेयर हाइलाइट्स वाले जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे कलर हो जाते हैं। आप इतने सारे मैंने आप लोग के साथ में वीडियोस शेयर करी हुई है, 500 से ज्यादा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है अपने एक्सपीरियंस से। अगर मुझे इतना नहीं पता होता, इतना नहीं करती, तो मैं आप लोग के साथ में 500 से ज्यादा वीडियोस नहीं शेयर कर सकती थी, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, छोटी छोटी सी टिप्स लेकर के आती हूँ, ठीक है।
उसके बाद आपको अपना हाइलाइटर वाला जो अभी जो आप यूज कर रहे हो, जो भी आपको कलर चाहिए वो आपको बनाना है। हमेशा ग्लव्स पहन करके आपको ये सारी चीजें करनी है, नहीं तो वो आपके नेल में जाकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपने अपना जो मिक्सचर रेडी किया एलोवेरा जेल वाला, उसको अच्छे से लगाना है। उसके बाद आप अपना फर्स्ट एप्लीकेशन करोगे हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट को आप 20 मिनट रखोगे, 20 मिनट बाद वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बाल हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हम आपके साथ में कल शेयर करेंगे, तो आज हम जो फर्स्ट स्टेप है वो शेयर कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको करना कैसे है। ठीक है, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले आपका है ब्लेंडर, ये आपका पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आपके बालों को कलर करता है। आपके ब्लैक बालों का जो पिगमेंट होता है उनको कलर करता है, जैसे हम अपने फेस पे ब्लीच यूज़ करते हैं उसी टाइप से ये आपका काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है डेवलपर, नेक्स्ट ये है आपका डेवलपर, इससे हम इसको मिक्स करेंगे। ये जब आप मिक्स करोगे तो बहुत ही ज़्यादा ये थिक बनेगा, और इससे का मतलब ये नहीं कि आपका ये कम है या फिर ज़्यादा है, आप यहाँ पर 2 से 3-4 लेयर इससे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करना है, और बहुत ही आराम से मिक्स करना है, क्योंकि ये जो पाउडर है बहुत ही ज़्यादा फाइन है, तो इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से हम नेक्स्ट अपना बनाएंगे, और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ये चीज़ लगाओ तो इसको आप अपने नाक वगैरह से दूर रखिए, आँखों से दूर रखिए, आईज वगैरह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हीट करते हैं। जब आप इसको लगाओगे ना अपने बालों पे फॉइल पेपर रैप करके, तो ये आपके बालों पे हीट भी करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम कलर बनाएंगे, तो इसमें ग्लव्स आता है, तो ये आपको ग्लव्स पहन लेना है, और ग्लव्स पहनने के बाद से इसको एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो जब भी आप इसको लगाओगे अपने बालों में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप ना देखोगे कि ये इतना ज़्यादा मतलब हार्ड है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मतलब हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो कलर है ये डाल देंगे हम, और उसके बाद से फिर इसमें हम डाल देंगे डेवलपर, और अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद से इसको हम लगा लेंगे। तो हमारा जो ब्लीच है उसको आप 10 से 15 मिनट करोगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा कलर चाहिए तो आप 20 मिनट्स रखिए, और कलर जो है आपका ये आपका 20 मिनट्स रखना ही रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। और जब आप इसको लगाओगे ना फॉइल पेपर से रैप करोगे, तो रैप करने के ब्लीच की बात करें, जब आप रैप करोगे तो फॉइल पेपर को पकड़ के देखना, आपका फॉइल पेपर हीट होने लगता है। इसीलिए आप थोड़ा सा समझ कर, सोच समझ कर एप्लीकेशन कीजिएगा, है ना, हर एक चीज़ बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन, है ना, आ जाइए आप लोग। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बालों में जो फ्रंट हेयर होता है ना हमारा फ्रंट हेयर लाइन वहीं पर करूँगी, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो पूरी फुल लेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और एक बच्चे के साथ में। और आपको पता है ये जो वीडियो आप लोग सुबह देखोगे ना, आप लोग जब भी इस वीडियो को देखोगे मॉर्निंग में इवनिंग में जब भी देखोगे आप लोग इस वीडियो को, तो ये वीडियो आप लोग मॉर्निंग में देख रहे हो या फिर आफ्टरनून में, ये वीडियो हमने रात में शूट करी है, इस समय बज रहे हैं 3:30। ठीक है, और उसके बाद से आप लोग देखोगे मतलब मज़ा आ जाएगी। और रात में बालों को वॉश करना और बालों में कलर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और अब वेदर भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत टाइम में शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने अपनी यहाँ पर फ्रंट हेयर लाइन को, जो हमारी फ्रंट हेयर लाइन होती है, वहाँ पर से एक लेयर ली हुई है। ठीक है, ये फॉइल पेपर हम इस तरीके से रैप करेंगे इसमें, और उसके बाद से मैं यहाँ पर 3 से 4 ही लेयर बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे फ्रंट में ही करना है, पीछे के बालों में और आगे के बालों में नहीं इतना फोकस करना है, आगे के फ्रंट लेयर पर ही मुझे, जो मेरे कट वाले बाल हैं उस पर ही, और जो आपके ईयर के पास का जो सेक्शन होता है यहाँ पर भी आप लोग जरूर से ज़रूर किया कीजिए। ये मेरी ट्रिक है जो मैं आप लोग सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भी आप अपने बालों में हाईलाइट करो ना, तो ईयर के पास से आप थोड़ी सी लंबी सी लट निकाल कर करो, और उसके बाद से इसका रिजल्ट देखना कितना अच्छा आता है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। आप लोग कीजिएगा, मुझे फीडबैक शेयर कीजिएगा। दूसरी चीज़, आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो अपनी फोटोज़ के साथ में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। देखो यार, एटलीस्ट अगर आप लोग पिक्चर वगैरह सेंड करोगे तभी तो मैं उसका ट्रीटमेंट वगैरह आपको बता पाऊंगी। तो आप लोग ऐसे ही पूछते हो तो प्लीज़ आप लोग फोटो शेयर कीजिए, अपनी हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, और 2 से 3 दिन का टाइम दो, तभी मैं आप लोग की हेल्प कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने 2 लेयर कर ली है ये, और उसके बाद से मैं यहाँ पर एक और लेयर कर रही हूँ फ्रंट से,
अपना लेफ्ट और राइट से एक एक लेयर कर रही हूँ। ये आपको बीच में लग रहा होगा बट ये मेरा बीच का पार्ट नहीं है। जैसे हम हेयर कट करते हैं अपना, तो वहां पर जो हमारी लेयर नहीं निकलती है पर छोटे छोटे से बाल निकल जाते हैं साइड साइड से, वो वाला आपका जो बाल होता है वहां पर आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है? दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट दोनों आप लोगे तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जब अपने बालों को आप ओपन करोगे ना तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेश्चन और ये कमेंट ये रहते हैं कि दीदी हम हाईलाइट करते तो समझ में नहीं आता लेयर कैसे लें। तो आप सबसे अच्छा मिडल जो पार्टीशन होती है वो कीजिए, या फिर आप एक लेफ्ट साइड से पार्टीशन कीजिए या फिर राइट से पार्टीशन कीजिए, उसके बाद से लेयर कीजिए, तो आपको इजी भी रहता है करने में और वो आपको समझ में भी आता है कि आपको कितनी करनी है कितनी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मिडिल में रखते हैं अपना पार्टीशन और बहुत सारे लोग लेफ्ट या फिर राइट रखते हैं, ठीक है? एक मैं और यहाँ पर लेयर ले रही हूँ आपकी ईयर के पास से, और इसके बाद से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होता है अपने बालों के, लंबे बालों के साथ में हेयर हाइलाइट्स करना। अगर आप घर पे करते हो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और कम पैसों में ही आपकी ये सारी चीजें हो जाती हैं, आपको पार्लर से लेने की जरूरत ही नहीं है, पार्लर में जाकर कराने की, है ना? सो यहाँ पर मेरा जो लेयर है ये कंप्लीट हो चुका है, तो बस इसको आपको 15 से 10 मिनट रखिए और आप बीच बीच में इसको फॉइल पेपर खोल खोल करके देख लीजिए, है ना, कि आपका हुआ है या नहीं, क्योंकि आपको खुद ही पता लगने लगता है। तो चलिए मेरा भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। करवा चौथ पे आप लोग भी अपने हस्बैंड की जो पॉकेट मनी है उसको डबल कीजिए घर पे सारी चीजें करके, है ना? तो चलिए आइए फेस टू फेस बात कर लेते हैं और खत्म करते हैं वीडियो को। सो गाइज, देखा आपने हमारा जो हेयर हाइलाइट्स है बड़े बालों में करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा छोटे हैं, शॉर्ट हैं, तो आप कर सकते हो, बट अगर आपके बाल एंकल लेंथ है, आपके बाल घुटने घुटने से नीचे हैं, एड़ियों तक हैं आपके बाल, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होती है अपने बालों में हाईलाइट करने में। मैं इसीलिए अपने बालों में फ्रंट लेयर करती हूँ, 2 से 3 लेयर करती हूँ, ज्यादा नहीं करती हूँ। और अगर आप ये हाईलाइट करते हो घर पे, तो आपका 200 के अंदर, 300 के अंदर अंदर आपके 4 से 5 लेयर हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में कराने जाते हो तो आपका हेयर हाईलाइट का 1 से 2 बार में आप अगर करवाते हो तो आपके बाल भी डैमेज होते हैं। दूसरी चीज, आपके बालों की जो क्वालिटी होती है वो भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से आपके बालों में हाईलाइट करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी आपका ब्लीचिंग यूज करते हैं, वो ब्लीच यूज करते हैं जिस तरीके से आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज होने लगते हैं, ठीक है? तो आपको बस क्या करना है, सारी चीजें घर पे करनी है और मैं हूं आपके साथ में आपको हर एक चीज बताने के लिए, ठीक है? अगर आप लोग की कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग की उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मुझे ईमेल कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए, बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।